हेलो व्यूअर्स, मैं हामिद एक बार फिर से आपका वजीज बर्ड्स केयर गाइडलाइन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि जो है ना, हमारे जो चिक्स हैं वो 3 महीने में ही ब्रीड कर लेते हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो वजीज के चिक्स होते हैं वो 3 महीने में ब्रीड कर लेते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो 3 महीने में ब्रीड करते होंगे, लेकिन कैसी ब्रीड करते हैं इसका आज रिज़ल्ट आपको दिखाना है, ठीक है, और क्या उसके परिणाम होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन भाइयों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं बजीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड किया करता हूँ अपने चैनल पर। तो चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो हमारे एक भाई हैं संदीप भाई, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे हैं, वो तकरीबन 8 साल से वो बजीज पाल रहे हैं, ठीक है, और अभी भी उनके पास जो है ना एक ऐसा पेयर है जिसने 3 महीने पहले ही 3 महीने मतलब चिक्स थे वो और उन्होंने 3 महीने में ब्रीड किया है। और उनकी जो ब्रीड है उसकी पूरी वीडियो मैंने उनसे बनवाई है और उसी वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जो लोग जो है ना बोलते हैं कि भाई मेरे चिक्स ने ब्रीड किया है और अच्छी ब्रीड हो रही है 3 महीने की, यार मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा देखा है। 3 महीने का अभी आपको दिखाता हूँ, एक मेरे पास पट्ठा पड़ा हुआ है, उसकी आँख भी अभी ठीक से नहीं साफ़ हुई है, तकरीबन 3 महीने उसकी एज होगी। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है ना 3 महीने में जो पट्ठे ब्रीड करते हैं वो अच्छी ब्रीड करते होंगे, बढ़िया ब्रीड रहती होगी? यार मुझे तो नहीं लगता कि वो जो ब्रीड करते होंगे वो अच्छी ब्रीड होती होगी। फिर भी जो है ना लोगों की बात को मानते हुए मैंने संदीप भाई से पूछा कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि उसका पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जब ब्रीड करते हैं 3 महीने के पट्ठे तो उनकी क्या कंडीशन हो जाती है कुछ टाइम बाद और उनके चिक्स कैसे निकलते हैं। तो चलते हैं संदीप भाई की वीडियो को देखते हैं। हाँ, तो क्या हाल है दोस्तों? तो अहमद भाई देखो, ये पेड़ है, ठीक है, इन्होंने 3 महीने की उम्र में ब्रीड कर दी थी मेरे पास, ठीक है भाई, और ये अब कंडम हो चुके हैं, ठीक है, नर तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जो मादी है वो उड़ नहीं पाती है, ठीक है, वो कंडम हो चुकी है क्योंकि उसने 3 महीने की उम्र में ब्रीड कर दी थी भाई, ठीक है। बच्चे भी निकाले थे, 2 बच्चे भी हैं, अभी बच्चे भी दिखा रहा हूँ इसके, ठीक है, बच्चे भी कंडम थे लेकिन बच्चे थोड़े सही हो गए, बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये मादी और नर दोनों कंडम हो चुके हैं। अब मैं इनका रेस्ट देखो अलग से दे रहा हूँ, ठीक है, इस केज के अंदर है, इनको मैं रेस्ट पे रख रहा हूँ अब कुछ दिन के लिए, कुछ दिन क्या, अभी कम से कम 2 महीने बाद ब्रीड लूँगा, ठीक है। तो ये है वो, ठीक है, इस कंडीशन में हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जैसे पट्ठे निकलते हैं भाइयों के जो भी है, ठीक है, जो ब्रीड ले रहा है, तो उन पट्ठों को अलग केज में रख दे भाई, ठीक है, वहाँ पर हांडी वगैरह कुछ नहीं लगाए, जैसे मैं देखो यहाँ पर रखता हूँ अपने, ठीक है भाई, यहाँ पर मेरे पट्ठे रहते हैं, ठीक है। उसका जो एक पट्ठा मैं बता रहा हूँ देखो कोने में बैठा, ठीक है भाई, वो है, और बाकी एक मैंने दे दिया था किसी से, बाकी इधर पट्ठे रखता हूँ मैं इस खाने में अपने भाई, ठीक है, अच्छा बढ़ाए भी खाना, ठीक है, अच्छी फ्लाइंग वगैरह करते हैं इसमें। तो बाकी ये है कि देखो कम से कम भी इनकी आप वेट करा करो, कम से कम भी इनके अगर जो बढ़िया ब्रीड चाहिए ना भाई, तो कम से कम भी आपको 9-10 महीने चाहिए आपको, ठीक है, ब्रीड लेने के 9-10 महीने इनको खिलाओ पिलाओ अच्छे से, रखो हांडी वगैरह कुछ मत दो, ठीक है, बाकी ये पेड़ है दोनों, ठीक है, इन्होंने कम से कम भी 1-2 महीने पहले ब्रीड करी थी, अब तो इनकी उम्र 5 महीने हो चुकी है, ठीक है, 2 महीने पहले ब्रीड करी थी, उससे उसके बाद ये कंडम ही है, मादी ज़्यादा उड़ नहीं पाती मतलब, ठीक है, तो इस टाइप के कंडम हो जाते हैं। मान लो किसी के कर भी रहे होंगे, ये बात नहीं है कि भाई किसी के नहीं करते, बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन वो आगे चल के कंडम हो जाएंगे, ठीक है, उनकी उम्र पे जोर पड़ेगा भैया, ठीक है, बाकी मेरे ऊपर तो है ही ब्रीडर पेयर, ठीक है सारे। तो जो भी है मतलब 3 मतलब कम से कम भी 7 महीने की उम्र से कम में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है भाइयों, ये मैंने आपको खुद दिखाया है, ठीक है, बाकी ये एक एक नहीं है,
काफ़ी थे पहले भी मेरे पास, ठीक है, जब बजीज थे मेरे पास, काफ़ी अच्छी बड़ी कॉलोनी थी, तो मैंने शौक के तौर पे अभी ये केज बनवाया दोबारा, ठीक है भाई, जो शौक पूरा कर रहा हूँ। बाकी कॉलोनी ब्रीडर था मैं पुराना, ठीक है, सप्लाई भी होती थी मेरे यहाँ से भाई, मैं देखता भी था बजीज, ठीक है, दूर दूर तक भेजता भी था, ठीक है, बाकी दिल्ली में तो भेजता ही था, ठीक है भाई। तो इनको मैं देखो अब इनको मैं ना इसमें से निकाल के इस नीचे वाले खाने में छोड़ दूँ इन पत्थों के साथ, ठीक है भाई, ये यहीं पे रेस्ट करेंगे, यहीं पे खाएंगे वगैरह, हर चीज़ यहीं करेंगे, उसके बाद जब बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, तब ब्रीड लूँगा इनसे मैं, ठीक है, बाकी ऊपर सारे ब्रीड पेयर आएगी, ठीक है भाई। तो मतलब इस चीज़ की यही है, बाकी अगर जो 3 महीने की उम्र में तो बहुत कम हो जाती है, इन्होंने कर दी थी मेरे पास, पहले किसी ने नहीं करी थी, लेकिन ये एक पेड़ ऐसा जिसने 3 महीने की उम्र में ब्रीड कर दी थी मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मेरे पास से काफ़ी बजीज निकल चुके हैं, ठीक है, उन्होंने भी कभी नहीं की थी, तो ये है जो इन्होंने करी थी, ठीक है। और उसके बाद क्या इन्होंने दोबारा ब्रीड करी, तो उसमें क्या है 3-4 एग्स भी दिए थे मादी ने, लेकिन बिल्कुल खाली अंदर से एग, बिल्कुल ख़राब, ठीक है, कुछ भी नहीं उसमें, बिल्कुल कागज़ की तरह हल्के, ठीक है। तो ये होता है कंडम्पण, ठीक है, ये 3 महीने की उम्र में इन कर तो दी ब्रीड, लेकिन अगली ब्रीड के लिए बिल्कुल काबिल ही नहीं रहे, ठीक है भाई। तो इस वजह से बाकी इनको एक बच्चों की इनको अब मैं क्या दूँगा दोस्तों, इनको एक बच्चों की विटामिन की शीशी आती है जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं विटामिन की, ठीक है, वो कंडम के लिए मैं वो ही चीज़ देता हूँ इनको, विटामिन जो कंडम हो जाते हैं मेरे अलग रखता हूँ मैं, ठीक है, उनके लिए अलग से वो विटामिन की शीशी लाता हूँ मैं, कोई सी भी कंपनी की ले लो, ठीक है। मेरे पास तो अभी मैंने कल शीशी खाली हुई है, उसका नाम तो मेरे याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ उसका नाम भी, बाकी नाम की ज़रूरत नहीं है, कोई सी भी आप विटामिन की, कैल्शियम की नहीं लेनी आपको, विटामिन की लिक्विड कलर की, वो लिक्विड आएगी, ठीक है, पिंक कलर की दवाई होगी अंदर, वो लेनी है दवाई, ठीक है, मेडिकल अरे मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है वो, ठीक है भैया। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसी कंडीशन में मतलब ब्रीड ना ले, ठीक है, पट्ठों को पहले ही अलग कर दे, ठीक है भैया, पट्ठों को मैं इस वजह से ही अलग करता हूँ। और देखो हमारे अमित भाई का एक यूट्यूब चैनल है गए, ठीक है, बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, मैं उसमें हूँ, ठीक है, किसी भाई को आना हो तो अपना नंबर चैनल पे दे देना, ठीक है, क्योंकि वो अमित भाई का ही है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी, हम तो उसमें ज्वाइंट हुए हैं, ठीक है, हमने अपना नंबर दिया था भाई को, ठीक है दोस्तों। बाकी और चिकनी मिट्टी नमक हमेशा केज के अंदर रखे, ठीक है, हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। आज दिल्ली में 2 दिन से दोस्तों धूप ही नहीं निकल रही, मैंने अब ये पन्नी ऊपर करके, ठीक है, चादर हटा के तब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बाकी इस पन्नी को अभी डाल दूँगा मैं, चादर तो अभी नहीं डाकूँगा, देखो बल्ब भी जल ही रहे हैं मेरे, ठीक है, ये 60 वाट का बल्ब ये है, ठीक है भाई, और 60 वाट का ही बल्ब ये है, पहले था 40 वाट का, लेकिन अब क्या 40 वाट का मिला नहीं था, तो 60 वाट का था, मैंने 60 वाट का लगा दिया, ये गर्मी के लिए नहीं लगाता मैं, ठीक है, मैं खाली ये है कि रात को आधा एक घंटा जला देता हूँ कि ये खाना वगैरह खा ले, अपने बच्चों को भी फीड वगैरह करा दे, और सुबह भी ऐसे ही आधा घंटा एक घंटा, ठीक है, क्योंकि इनको बल्ब की गर्मी की ज़रूरत नहीं है, इनको कवर करके रखोगे उसी गर्मी से सही रहेंगे, ठीक है, जब कोहरे की ठंड होती है, हवा रहती है, उसी से बचे रहेंगे भाई ये, ठीक है। बाकी और आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है भाइयों, ओके भाइयों, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो। व्यूअर्स, हम जो है ना अपने बर्ड से अगर ब्रीड लेना चाहते हैं, एक अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं, तो हमें जो है ना अपने बर्ड्स को टाइम देना होगा, और काफ़ी लंबा टाइम देना होगा, तकरीबन मान के चलिए 7 से 8 महीने। अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्ड्स एक अच्छी और हेल्दी ब्रीड करे, उसकी लाइफ भी सेफ़ रहे और उसके जो चिक्स निकले वो भी सेफ़ रहें, तो उसके लिए यार भाई आपको वेट करना होगा 7 से 8 मंथ। अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से ब्रीड करे, आप ब्रीड करा सकते हैं यार उसको दवाओं के ज़रिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देंगे जिनसे जो है ना आपके पैरेट्स ब्रीड करने लगेंगे, लेकिन
इसका जैसा अभी आपने संदीप भाई की वीडियो देखी उसके अंदर जैसा कि उन्होंने चलो चिक्स थे उनको पता है कैसे संभालना है, ठीक है ना, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन अगर हमारे चिक्स करेंगे, ठीक है, और उनकी डेथ हो गई या उनको कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या हम समझ पाएंगे? वो इतने टाइम से पाल रहे हैं तो उनको पता है कि हाँ हमको अपने पायरेट से इस तरह से ब्रीड लेनी है। अगर वो कंडम भी हो रहे होंगे तो मुझे ये विटामिन उनको दे करके सही करना है, ठीक है। और बाय चांस चलिए ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ कि हाँ ब्रीड करेंगे और ब्रीड करने के बाद ब्रीड करने के टाइम पे अगर पैरेट्स मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो यार हम लोग कोई ब्रीडर तो है नहीं कि जो है ना हमें सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है। हमें प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें अपने पैरेट्स को सेफ रखना है, अपने बर्ड्स को सेफ रखना है और उसके बाद उससे एक अच्छी ब्रीड लेनी है। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बजीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।